एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और मेक श्योर आप भी उन सब की तैयारियों में लगे होंगे, अपने लिए परचेजिंग कर रहे होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि सभी के अंदर बहुत मतलब फीलिंग होती है कि हम हर फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें उसको। तो इस एंजॉय करने में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँगी। जैसे आज आप मेरे साथ तैयार होइए फेस्टिवल के लिए। जैसे मैं आज आपको जो लुक क्रिएट करने जा रही हूँ उसमें मुझे साड़ी पहननी है। आप ये जो मेकअप होगा आप किसी भी एथनिक ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं और आप इसको अनारकली सूट के साथ पहन सकते हैं। अगर आप लहंगा चोली पहन रहे हैं उसके साथ भी अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर आप प्लाजो और टॉप कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इस तरह के मेकअप को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। तो जो आज मेरा लुक होगा वो साड़ी में होगा। मैं आपको सभी चीज़ें शो करूँगी एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। वीडियो आपको जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्रेप करना है, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद मुझे लगता है कि एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा जेल यूज़ करने से आपकी स्किन पर एक कोटिंग बन जाती है, जिससे जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट नहीं होते हैं और कम हार्म करते हैं। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी ये एलोवेरा जेल लिटिल बिट और इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो एलोवेरा है ये आपकी एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, जो आपको यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि जो हमारे फेस्टिवल हैं, जैसे ये राखी फेस्टिवल है भाई, इसी में ये दिन में ही होता है और तो आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ मैं डबल प्रोटेक्शन यूज़ करूँगी, तो ये मैंने यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर अपनी स्किन पर एब्जॉर्ब होने दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब जो मुझे यूज़ करना है उसके बाद सनस्क्रीन, एक किसी अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन मैं यूज़ करूँगी। मेरी जो स्किन है वो समवॉट ऑयली एंड नॉर्मल है, तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC का सनस्क्रीन लोशन, जो SPF 25 है, जो मेरी स्किन को अच्छा प्रोटेक्शन देगा। क्यों, फेस्टिवल के लिए मुझे बाहर जाना होगा तो इसलिए मुझे जो है अपनी स्किन को डबल प्रोटेक्ट करना है। और इसको अच्छे से अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, जब भी आप मेकअप करें ना, इस चीज़ का ध्यान रखें अपने नेक को ना भूलें। अधिकतर होता है कि हम फेस पर तो मेकअप कर लेते हैं लेकिन नेक को छोड़ देते हैं, उससे जो है ना नेक आपकी एकदम अलग से फील होती है। तो इसलिए अपने ईयर पर और अपने नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें। आपके जो फेस का और नेक का कॉम्प्लेक्शन सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और अगर वो डिफरेंट हो जाता है तो कुछ अलग अलग सी फीलिंग आती है। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो सेम लगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आपकी फेस से जो है आपका नेक का कॉम्प्लेक्शन जो है डार्कर ही होता है। तो हमें उसको ऐसे नहीं लगने देना है, यही मेकअप का काम है कि आप अपनी जो स्किन की और अपने फेस की जो मतलब कुछ खामियां हैं, जैसे पिगमेंटेशन है या जो भी चीज़ है, वो आप उसको छिपा सकें। तो ये मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र। अब मुझे प्राइमर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ मैं फिट मी का 220 शेड मेबिलीन, और इसको हमें लेना है अपने हाथ से। अच्छा, इसमें जब आप फाउंडेशन लगाने का सबसे अच्छा है कि जब भी आप लगाएं तो डॉट डॉट करके लगाएं, जिससे अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाए। और ब्लेंड करने के लिए आप चाहे ब्लेंडर का यूज़ करें, चाहे ब्रश का यूज़ करें, या फिर फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक पे भी मैं लगाऊंगी। ओके, यहाँ मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर और अपनी फेस पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग, जब भी आप फाउंडेशन लगाएं ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अगर ढंग से ब्लेंड नहीं होता है और अपनी स्किन को आपने ढंग से प्रेप नहीं किया है तो फाउंडेशन जो है केकी हो जाता है। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है और अच्छे से टाइम देना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं मेकअप करने में। ओके, तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन और उसके बाद मैं लूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ शुगर का कंसीलर और इसको अच्छे से जहाँ जहाँ आपका डार्क पार्ट है वहाँ आप इसको अप्लाई कर लीजिए।
अधिकतर ये एरिया जो होता है पिगमेंटेड होता है, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं दोबारा लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने कंसीलर को भी, और इसके बाद मैं लूंगी स्टे क्विकी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, और इसको हमें थोड़ा सा लेना है, डस्ट ऑफ कर देंगे और देन अप्लाई ऑन योर फेस, जिससे मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास अगर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर नहीं है तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मुझे करना है कॉन्टोरिंग, तो कॉन्टोरिंग के लिए मुझे अपने नोज़ पर ये मैंने कंटूरिंग के लिए लगा लिया है, और इसको मैं हाथ से ब्लेंड करने जा रही हूँ, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें जब आप कंटूरिंग करेंगे तो जब आप यहाँ पर लगाते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक आप लगाइए, और हेयर लाइन तक जाना चाहिए, मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि जैसे अलग से लाइन खींची हुई है। कॉन्टोरिंग हो चुकी है, अब मुझे लगाना है हाइलाइटर। इसके लिए मैंने लूंगी शुगर का 04 रॉयल रोज, और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर अर्बन ब्यूटी का फैन ब्रश, और इसमें हम हल्का सा लगाएंगे और अपनी चीक बोन पर इस तरह से लगाएंगे, और नोज पर। ओके, दैट्स एनफ। मुझे करना है आई मेकअप, और इसके लिए ली है मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का आई पैलेट, और जो मेरी ड्रेस है वो वाइन कलर की है, तो इसलिए जो मैं यहाँ पर ये वाइन कलर पिक करूँगी, और क्योंकि मुझे दिन में कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर लाइट मेकअप ही करूँगी, और ये जो मैं वाइन कलर लगाऊँगी ये क्रीज पर लगाऊँगी। अच्छा, वाइन कलर और पर्पल कलर कुछ कुछ सेम होते हैं, तो अगर आपने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है तो भी आप यही मेकअप कर सकते हैं। इसको हमने क्रीज पर लगाया, और क्रीज से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का ही दूसरा पैलेट लिया है, और इसमें से मैं एक न्यूड कलर लूँगी, थोड़ा सा शिमरी कलर मुझे इस समय चाहिए, जो का सा मेरी आईलिड्स पर शाइनिंग आए, तो इसके लिए मैं ये लाइट कलर लूँगी। उसके बाद अपनी बाकी जो मेरी आईलिड्स पर मैं ये वाला कलर लगाऊँगी, और इसको मैं अब आईलिड पर हाफ तक लेके जाऊँगी, और उसके साथ अपने वाइन कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। मैंने दोनों आंखों पे लगा लिया है, अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। अब मुझे लगाना है आईलाइनर। आईलाइनर के लिए लूंगी मैं ब्लू हेवन का जेट बोल्ड आईलाइनर, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से आंखों पर स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, इसकी एक खासियत ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे ग्लिटर जब अपनी आंखों पे यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आईलाइनर है, इसको लगाने के बाद थोड़ी देर आपको आंखें बंद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे तो ऊपर की तरफ आईलिड्स पर ये लग जाएगा, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी देर के लिए आँखें बंद रखनी है। तो मैं अब लगाती हूँ आईलाइनर। ये जो आईलाइनर लगाऊंगी पतला लगाऊंगी, मोटा नहीं लगाना है, और इसको बाहर भी अपने आउटर कॉर्नर पर भी ज़्यादा नहीं निकालना है। ये देखिए, इस तरह से इसको लगाना है। ओके, लाइनर लग चुका है, अब मुझे लगाना है मस्कारा, और मस्कारा के लिए ले रही हूँ मैं कोलोजल मेबिलीन। यहाँ मैं मस्कारा नीचे की साइड में नहीं लगाऊंगी, केवल ऊपर लगाऊंगी। आप चाहें तो नीचे लगा सकते हैं अगर आपकी आईज़ पर अच्छा लगता है काजल। मेरी अपनी आईलिड्स को मस्कारे से ही ऊपर की साइड में इसको बैंड करूंगी। ये देखिए,
मस्कारा लग गया है। मस्कारा लगते ही देखिए आंखें कैसे वाइट अप लगती हैं। अब मुझे जो मैंने हल्का सा एक ग्लिटर वाला शेड लिया था इसको हल्का सा लूंगी और अपनी आईज के नीचे हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, केवल टच होना चाहिए और कुछ कनेक्टेड लगना चाहिए बस, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। मुझे करना है अपनी आईब्रोज को फिल, इसके लिए मैं यहाँ लूँगी स्विस ब्यूटी का ब्रोज पाउडर। अपनी आईब्रोज को ऊपर की साइड में ले जाऊंगी, हल्का सा लेना है बिल्कुल स्लाइटली लिटिल, और अपनी आईब्रोज को फिल कर लेंगे। ये देखिए दोनों में डिफरेंस, वो कितना जरा सा लिया था मैंने। ओके, बहुत ब्रोज आर डन, और अब मुझे लगानी है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए लूँगी मैं कलर बार की 007 ग्लोरी, और इसको मैं ब्रश के हेल्प से लगाऊंगी। तो मेरा फेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जो है तैयार होती हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। अब मुझे बनाना है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ से पार्टीशन कर लिया है अपने बालों का, मिडिल से ऐसे अपने बालों को यहाँ से मैं लूँगी बीच में से, इसको हम सेक्शन में लेंगे और इसको आपस में ऐसे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से अपने बाल लूँगी और इसको इनके साथ मिक्स कर दूँगी, और फिर उसके बाद फिर दोबारा उसके बाद इसको लेके यहाँ से पीछे सिक्योर कर लूंगी पिन से, इसी तरह से इधर से करना है। सिंपल हेयर स्टाइल आई है और देखने में खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसको पीछे से खुला छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसका बन बना सकते हैं और एक सुंदर गजरा आप लगा सकते हैं इस पर। ओके, अब मैंने साड़ी पहन ली है और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं डालूंगी इयररिंग्स। ये देखिए इयररिंग्स, अब और अब मुझे पहननी है चूड़ी, जिसमें मैंने यहाँ पर फेस्टिव लुक क्रिएट किया है, मेकअप करके दिखाया है और ड्रेस बताई है, साथ में ज्वेलरीज बताई हैं कि किस तरह से आप इस फेस्टिव लुक में स्टाइल्स लग सकते हैं, गॉर्जियस लग सकते हैं और कैसे आप अपने मेकअप को कर सकते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। आप ये इस फेस्टिव सीजन में ये लुक क्रिएट कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये लुक आपके ऊपर कैसा लगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जाना और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। मैं फिर मिलूंगी जल्दी ही ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।